विज्ञान नित नए आयामों से जुड़ने का ज्ञान है। विज्ञान विचार करने की एक पद्धति भी है। भारत में वैदिक काल से ही वैज्ञानिक चिंतन, सिद्धांत, प्रतिपादन की जानकारी लोगों में रही है, किंतु आज के विद्यार्थियों को तुलनात्मक रूप से विज्ञान के क्षेत्र में भारत के योगदान की समुचित जानकारी नहीं है। विज्ञान के लोकव्यापीकरण, लोगों में वैज्ञानिक एवं तकनीकी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने, विज्ञान के क्षेत्र में भारत की प्राचीन वैज्ञानिक धरोहर के बारे में बताने तथा भारतीय वैज्ञानिकों के क्या अवदान रहे हैं, इन सब से परिचित कराने के लिए प्रख्यात वैज्ञानिकों और तकनीकीविदों की अगुवाई में विज्ञान भारती देश का सबसे बड़ा विज्ञान आंदोलन है। विज्ञान भारती अपने अभिनव राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा विज्ञान मंथन के माध्यम से छात्रों को प्रोत्साहित करता है, ताकि भारत के भावी वैज्ञानिकों, तकनीकीविदों और नवीन आविष्कारकों के रूप में कार्य करते हुए विद्यार्थी देश को अच्छा नेतृत्व प्रदान कर सकें। इस हेतु आवश्यक है कि विद्यार्थी देश के समृद्ध व गौरवशाली अतीत से परिचित हों, प्राचीन मनीषियों के वैज्ञानिक ज्ञान से प्रेरित हों तथा उनके विज्ञान के साथ गहरी दोस्ती हो। इन उद्देश्यों को लेकर विज्ञान भारती के महाकौशल विज्ञान परिषद की प्रमुख प्रोफेसर सुनीता शर्मा जी के मार्गदर्शन में विज्ञान के क्षेत्र में भारत के योगदान की यह सीरीज हम प्रत्येक सोमवार को आयोजित करने जा रहे हैं। इसकी संपूर्ण परिकल्पना एवं नवाचार प्रमोद श्रीवास्तव जी की है। इस सीरीज में हम भारतीय वैज्ञानिकों एवं उनकी खोज के बारे में विद्यार्थियों को परिचित कराएंगे, विज्ञान के रोचक तथ्य बताएंगे तथा अंत में विज्ञान से संबंधित कुछ छोटी बातें आपसे जानने का प्रयास करेंगे। यही नहीं बल्कि इन बातों के उत्तर हमें आपसे मिलने पर अगले सीरीज में आपके नाम की घोषणा भी हम करेंगे। उल्लेखनीय है कि भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में यह जानकारी विज्ञान में भारत का योगदान पर आधारित पुस्तक, जो कि विज्ञान भारती द्वारा विद्यार्थी विज्ञान मंथन के लिए रची गई है, उसी से दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं विज्ञान में भारत का योगदान की यह पहली सीरीज। विज्ञान में भारत का योगदान में आज हम भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता सर रोनाल्ड रॉस के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। रोनाल्ड रॉस का जन्म सन 1857 में आधुनिक उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में हुआ था। उनके पिता ब्रिटिश सेना में जनरल थे, जिनकी तैनाती भारत में थी। रोनाल्ड रॉस 8 वर्ष की उम्र तक भारत में रहे। उसके बाद उन्होंने लंदन के सेंट बार्थोलोम्यू अस्पताल से चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई की। जब रॉस छोटे थे तब उन्होंने देखा था कि कारगर दवाओं की कमी के कारण हर साल लगभग 10 लाख लोग मलेरिया के कारण मर जाते थे। जब रॉस भारत में थे तब उनके पिता को भी मलेरिया हो गया था, लेकिन सौभाग्य से वह ठीक हो गए थे। इस भयावह बीमारी ने उनके मन पर अमिट छाप छोड़ी। जब रॉस ब्रिटिश इंडियन चिकित्सा सेवाओं के अंतर्गत भारत वापस लौटे तब उन्हें मद्रास भेजा गया। वहां उनका ज्यादातर काम सेना के मलेरिया पीड़ित मरीजों के उपचार से संबंधित था। रोनाल्ड रॉस ने सन 1897 में मच्छरों और मलेरिया के बीच के संबंध को साबित कर दिया। उस समय तक ऐसा माना जाता था कि मलेरिया का कारण गंदी हवा और ऐसे स्थान पर रहना है जो काफी गर्म, आर्द्र एवं दलदली हो। रॉस ने सन 1882 से 1899 तक मलेरिया पर अध्ययन किया। उन्होंने मच्छरों की एक विशिष्ट प्रजाति एनाफिलीज में मलेरिया के परजीवी की खोज की। आरंभ में उन्होंने इस प्रजाति को चितकबरा पंख नाम दिया। रॉस ने मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति का खून चूसने वाले एक मच्छर के पेट का विच्छेदन करने के बाद अपनी महत्वपूर्ण खोज की। आगे विस्तृत शोध के बाद उन्होंने मलेरिया परजीवी के पूरे जीवन चक्र की व्याख्या की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इन्होंने इसके अध्ययन के लिए गणितीय मॉडल भी विकसित किए थे। रॉस को चिकित्सा विज्ञान में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सन 1902 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चिकित्सा के क्षेत्र में उनके इस महान कार्य के लिए उन्हें नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। भारत में रॉस को सम्मान और प्रेम के साथ याद किया जाता है। भारत के कई कस्बों और शहरों के मार्गों का नामकरण उनके नाम पर किया गया है। उनकी सेवाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए भारत में हैदराबाद स्थित क्षेत्रीय संक्रामक रोग चिकित्सालय का नामकरण सर रोनाल्ड रॉस उष्णकटिबंधीय और संचारी रोग संस्थान किया गया। सिकंदराबाद में पुराने बेगमपेट हवाई अड्डे के पास स्थित जिस इमारत में कार्य करते हुए उन्होंने मलेरिया परजीवी की खोज की थी, उसे आज एक विरासत स्थल का रूप देने के अलावा उससे लगे मार्ग का नामकरण सर रोनाल्ड रॉस मार्ग किया गया है। विज्ञान के रोचक तथ्यों में आज हम मानव शरीर की कुछ विशेष बातें जानते हैं। एक वयस्क की त्वचा का वजन 6 पाउंड अर्थात उसके मस्तिष्क की अपेक्षा 2 गुना होता है। 2 सामान्य गुर्दों में 20 लाख नन्ही रक्त छानने वाली छन्नियां होती हैं, जो प्रतिदिन 50 गैलन रक्त छानती हैं। मानवीय आत्मा का वजन 21 ग्राम होता है। मनुष्य के मुंह में शरीर के किसी अन्य रंध्र की अपेक्षा अधिक जीवाणु होते हैं। 70 वर्ष के जीवन में हमारा हृदय 2 अरब 250 करोड़ बार धड़कता है। विज्ञान के रोचक तथ्यों में आज बस इतना ही। अब बारी है आपसे प्रश्न पूछने की। इन प्रश्नों के उत्तर शीघ्र ही मोबाइल नंबर 7974873610 पर भेजे जाने पर अगले सीरीज में सही उत्तर देने वालों के नाम की घोषणा की जाएगी। आपके लिए प्रश्न है कि मादा क्यूलेक्स से संचारित रोग का नाम क्या है तथा मलेरिया से मानव का कौन सा अंग प्रभावित होता है। अपना उत्तर आज ही हमें भेजें।